जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, सबके पास ब्रीड भी आना शुरू हो गई है, किसी के पास अंडे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। मेरे पास भी माशाल्लाह अंडे बच्चे, बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है बजीज की। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, सीजन तो आ चुका है लेकिन अभी भी गर्मी बहुत है, तो ये वाले काम जो है ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये गलतियां नहीं करनी, और कौन से काम करने वाले हैं जो आपने कर लेना है, जिससे आपकी ब्रीड जाया नहीं होगी। देखें, सीजन की जो पहली ब्रीड होती है ना, वो अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि हब्स होता है और ब्रीड आ जाती है, तो ऐसी ब्रीड जो है वो आपकी जाया हो सकती है। मेरे पास एक पेयर की हुई है, बाकी पेयर की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बाकी सब पेयर माशाल्लाह ब्रीड कर रहे हैं, सिर्फ एक पेयर को एक दबका सा लगा गर्मी का। वो क्यों लगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरा इंडोर सेटअप है, कंजेस्टेड है, और आपको पता है कि अभी आजकल जो है बिजली के बिल वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मैंने फैन जो है ऑफ कर दिया, ये सोच के कि यार ठंड हो रही है तो इट्स ओके। लेकिन मैंने बाद में देखा कंजेस्टेड था वो, बहरहाल सबके क्लच अच्छे निकले लेकिन एक पेयर जो है उसको गर्मी का दबका सा लग गया। भाई याद रखें, अगर आपके पेयर जो है वो फॉरन से ब्रीड कर रहे हैं सीजन के शुरू होते के साथ ही, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल लाजमन करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बेसिकली पानी में मिलाकर दिए जाते हैं। ये होता क्या है इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है जिस तरह हम लोग पानी में जो है वो ORS मिला के पीते हैं हम लोग अपने लिए, या मोशन हो रहे होते हैं हमें, या गर्मी के अंदर अगर हम लोग पानी के अंदर कोई भी ऐसा ORS या पेडियोट्रल वाटर पीते हैं जिससे हमारी नमकियात की कमी पूरी हो जाए, इस तरह बर्ड्स को भी ज़रूरत होती है, तो उनके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं जो उनको ठंडा रखते हैं। या पेरेंट्स फीड करवा करवा के ना बच्चों को थक जाते हैं, उनके मैदे में तकलीफ होने लगती है, या खाना पीना कम कर देते हैं, बच्चों को फीड करवाना कम कर देते हैं, उससे होता ये है कि गर्मी का दबका बच्चों पे भी असर करता है, पेरेंट्स पे भी असर करता है, और साथ साथ बच्चों पे भी करता है। बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, कमज़ोर रहने का जो है खदशा होता है बच्चों में कि कहीं बच्चे कमज़ोर ना रह जाएँ या फिर बच्चे एक्सपायर ना हो जाएँ। मेरे पास माशाल्लाह तमाम पेयर ने ब्रीड की है, सबकी ब्रीड जो है सक्सेसफुल आई है, बस एक पेयर का जो है वो एक बच्चा एक्सपायर हुआ है, बाकी सबका किसी का कोई मसला नहीं है। एक्सपायर होने की वजह भी ये थी कि मैंने गौर नहीं किया, गर्मी एकदम अचानक से थोड़ा हब्स हो गया, पंखा वंखा नहीं लगाया, इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिए। बहरहाल इलेक्ट्रोलाइट आपको मेरे पास से भी मिल जाएगा, वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा आपने कैसे मंगवाना है। गाइज पे कोशिश किया करें केजेस जो है ना वो छोटे मत लिया करें, कंजेस्टेड मत लिया करें। अगर आपके केजेस बड़े होते हैं ना तो जितनी भी गर्मी हो ब्रीड आती रहती है, यहाँ तक कि जून जुलाई में भी ब्रीड आती रहती है, कोई मसला नहीं होता। और बजरी तो मशहूर है पूरा सारा साल ब्रीड करने के लिए, इनका कोई सीजन नहीं होता। मेरे पास तो ये करते रहते हैं ब्रीड, मतलब जब से आए हैं ब्रीड कर रहे हैं, गर्मियों में आए थे उस वक्त इन्होंने शुरू कर दी थी ब्रीडिंग। बात ये होती है कि इनको खाली गर्मी से थोड़ा सा बचाना पड़ता है। कैसे, अगर इनका पिंजरा बड़ा होगा ना तो इतना इश्यू नहीं होगा। अगर 1.5 बाय 3 फुट का आपने एक पेयर को दिया हुआ है पिंजरा तो वो उसमें ब्रीड करता रहेगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे पिंजरे देंगे, 1.5 बाय 1.5 बाय 1.5 का पिंजरा देंगे अगर आप एक पेयर को, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। सर्दियों में तो वो बहुत अच्छी ब्रीड करेगा लेकिन गर्मियों में उसको गर्मी लगेगी, नो डाउट लगेगी उसको। तो आप लोग पिंजरे बड़े ही रखा करें। और अगर आपको लगता है कि यार बजरी हमारे सस्ते बिकते हैं, इतने बड़े बड़े पिंजरे देखे हम क्या करेंगे, तो आप बजरी जो है महंगे वाले रख लें, जिस तरह सामने रेनबो देख रहे हैं इस तरह के रेनबोज रख लें आप। ब्लू कलर वॉयलेट सीरीज भी होती है, सामने वॉयलेट सीरीज है, इस तरह के रेनबो रख लें। बाय द वे मैंने रेनबो ही रखे हुए अपने पास, और रेनबो में बड़ा अच्छा मुनाफा होता है क्योंकि ये कम से कम भी अच्छे पैसों में निकल जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी बहुत अच्छे पैसों में निकल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, अगर आप में से किसी ने, अब देखें किसी बंदे ने अगर 15 पेयर रखे हैं रेनबो बजरी के, ठीक है, इस 15 पेयर रेनबो बजरी के रखे हैं, तो इस पर आपकी कॉस्ट आएगी, अगर आप बहुत महंगे उठा रहे हो या आपको कोई महंगे दे रहा है। देखिए इनकी कीमत जो है वो अभी भी डिसाइडेड नहीं है, ये कम से कम 3,000 में मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये में अभी इस वक्त जोड़ा मिल जाता है ये, ठीक है। और ये आपकी किस्मत है, कई बार 2,000 में मिल जाता है, 1,800 में मिल जाता है, और कई बार एक दाना आपको 500 में भी मिल सकता है, वो आपकी किस्मत है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं खरीदते हुए महंगे से महंगा ले रहे हैं ताकि अगर आपके पैसे बचते हैं तो आपको आपके लिए सरप्राइजिंग मनी हो। मिसाल ले लो आपने यार 4,000 के हिसाब से ले लिए 15 पेयर, ठीक है, 60,000 रुपये के आपके पेयर हो गए, 60,000 के 15 पेयर ले लिए। अब 15 पेयर आपके ब्रीड कर रहे हैं, 3 का एवरेज लगा लो, 3-3 बच्चे दे रहे हैं, 45 बच्चे निकला है आपके पास। अब मान लो आप 750 का एक बच्चा दे रहे हो, 15 पेयर से 45 बच्चे निकला है, आप 750 का एक बच्चा बेच रहे हो, बेचते में हम कम से कम पैसे लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ना, आपको सरप्राइजिंग मनी होगा आपके लिए। हम तो जानबूझ के कम से कम लगा रहे हैं, ये भाई जानबूझ के हमने कम से कम लगाया, तो 45 बच्चे आपके बिक गए 33,750 के एक क्लच के, ठीक है। अब बजरी कितने क्लच देता है भाई, बजरी तो 5 क्लच भी दे सकता है, फॉस्टरिंग भी हो सकती है, तो हम फिर भी कम से कम 4 क्लच लगा लेते हैं, 1,35,000 आपने कमा लिए, ठीक है। इसमें आपका दाने का खर्चा कितना आएगा भाई, पूरे साल में बजरी का जो दाना है 15 पेयर में कितना लग जाएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली बहुत हुआ 35,000 लग जाएगा यार, चलो 40,000 माइनस कर लेते हैं, इसमें से 40,000 आपने माइनस कर लिया, 95,000 आप पूरे साल में कमा रहे हो, इसको डिवाइड करते हैं 12 से, 7,916 एक महीने का आप कमा रहे हो, 7,916 कितने पेयर से, 15 पेयर से। अब जरा अपना खुद दिमाग इस्तेमाल करो यार, 15 पेयर में तुम महीने का अगर 7,916 कमा सकते हो तो 15 पेयर रखोगे क्यों, तुम बढ़ाओगे ना इसको, तुम 30 कर लोगे, इसको तुम 30 कर लोगे, 40 कर लोगे। मैंने कई लोग देखे हैं वो 50 पे पहुंच जाते हैं, 100 पर भी पहुंचते हुए देखा है मैंने।
अब मेरे पास जो माशाल्लाह रेनबो ब्रीड कर रहा है, तो मैं फ़ौरन से बेच नहीं रहा, जमा भी कर रहा हूँ, अच्छे खासे बना रहा हूँ अपने पास, ताकि मेरे पास एक लाट तैयार हो जाए, 50-60 पेयर हों, फिर मज़ा आता है बेचते हुए भी या काम करते हुए भी, एक हैंडसम अमाउंट मिलता है बंदे को, एक अच्छा उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। देखें कभी भी अगर आपके बर्ड सस्ते हैं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आप बेच दें, बजाय इसके कि आप उसको सस्ता दाना खिलाना शुरू कर दें, बाजरा नहीं डालना भाई आपने इस सर्दियों में, इस गर्मियों में, जो भी आपका सीज़न आ रहा है, चाहे गर्मी में हो रहा है या सर्दी में हो रहा है, भाई बाजरे का इस्तेमाल नहीं करना, ये बाजरा नहीं खाते। मैं तो बहुत ही कम बाजरा डालता हूँ, बहुत कम मैं बाजरा डालता हूँ, बिल्कुल ना होने के बराबर, सस्टेनेबिलिटी के लिए बनाता हूँ मैं, ताकि सस्टेन कर जाए थोड़ा बहुत दाना, फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है ना एकदम से, कंगनी तो ये फ़ौरन खा लेते हैं, तो मैं जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ अपनी फीड के अंदर, दाने के अंदर वो इस्तेमाल करता हूँ सबसे ज़्यादा लाल कंगनी का, लाल बारीक कंगनी जो होती है, लाल बारीक कंगनी, फिर मैं करता हूँ नॉर्मल जो वाइट बारीक कंगनी होती है उसका, तीसरे नंबर पे मैं इस्तेमाल करता हूँ जो मोटी कंगनी होती है उसका, चौथे नंबर पे मैं इस्तेमाल करता हूँ जई का, और पांचवें नंबर पर मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही कम बाजरा, अगर डाला तो डाला, और अगर ब्रीडिंग आई हुई है, बच्चे पाल रहे हैं, तो मैं बाजरा नहीं डालता, क्योंकि फिर ये बच्चों को सही से पालते नहीं है, वो मज़ेदार ब्रीड रिजल्ट रहता नहीं है उस तरह का। और भाई जो लोग गंदी मटकियों में ब्रीड करवा रहे हैं ना, बिल्कुल काली हुई हुई हैं, ख़राब मटकियाँ, गंदी गंदी मटकियाँ लेकर आ गए हैं, सेकेंड हैंड लेकर आ गए हैं, तो उसमें भाई ये याद रखो 200 ऊपर बच्चे नहीं निकलते, ये गलती नहीं करनी, साफ़ सुथरे बॉक्सेस रखोगे ना इस तरह के, जिस तरह ये रखे हुए, तो भाई 5-5, 6-6 बच्चा, बॉक्सेस ना भी रखो, मटकी भी अगर साफ़ सुथरी रखोगे तो भाई 6-6, 7-7 बच्चा भी देते हैं बजरी, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इनका। तो सीज़न में भाई ये वाली गलतियां नहीं करनी आपने कि जो गंदी मटकियां लगा रखी हैं, या फिर गंदे गंदे आपने जो है वो केज का निज़ाम गंदा रखा हुआ है, गर्मी हो रही है, ना आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, ना आप कोई वेजिटेबल्स डाल रहे हो, बाय द वे वेजिटेबल्स भी आपने डालनी है ताकि आपके बर्ड जो है वो हेल्दी एंड एक्टिव रहें, और कोशिश करनी है कम से कम खर्चा हो आपका, ताकि जब आप बेचते हैं तो फिर आपको जो फ़ायदा कैलकुलेट करेंगे वो फ़ायदा फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेल करने का मौका मिल सके। कम से कम खर्चा करें, लेकिन ऐसा ना करें कि आपका बर्ड ख़राब हो जाए। अगर आपके बर्ड भाई सस्ते नहीं है, तो मैंने अभी भी आपको बता दिया, जुल्म करने से बेहतर है, गंदा दाना डालने से बेहतर है, वो बर्ड बेचो, रेनबो खरीद लो, या फिर आप लोग जो है वो होगोरोमो ले लो, होगोरोमो में बहुत अच्छी अच्छी आती हैं हमारे पास वेराइटीज़, जैसे आपको मिल जाएंगे DF होगोरोमो मिल जाएंगे, डबल फैक्टर, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, रेड ए होगोरोमो मिल जाएंगे, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने आपके पेयर हैं, जो ज़्यादा महंगे नहीं हैं, उनको आप फॉस्टरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके नीचे आप दूसरों महंगे तोतों के बच्चे आप पलवाते रहें, इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। काम स्टेप को आगे बढ़ाएं, हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट मत ढूंढें, नेगेटिव पॉइंट ढूंढने बढ़ गए तो आपको कोई काम आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जाहिर सी बात है अगर किसी भी चीज़ का नतीजा निकालने बैठोगे ना फ़ौरन बैठे बैठे, हम लोग मुँह से निकाल लेते हैं ये वाला काम, अरे इसमें तो फ़ायदा ही नहीं, बिरयानी का काम, अरे कहाँ लोग खरीदते हैं आजकल, महंगाई इतनी है, ये वाला काम करते ही नहीं है। तो ये हर बंदा जब डिग्रेड करेगा एक दूसरे को, खुद भी डिग्रेड होगा, बोलेगा यार ये नहीं करो वो नहीं करो, तो फिर करोगे क्या, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो जो इंसान अपने कदम बढ़ाता है, अपनी राहें चुनता है चलने के लिए, और जब वो चलना शुरू करता है तो हरकत में भाई बरकत है, अल्लाह ताला जो है वो बहुत बरकत देता है, काम शुरू करने से, फैसला लेने से, स्टेप लेने से, ये बरकतों का जरिया बनता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, मैं आपको ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, पहले सुन लें क्या क्या चीज़ें हैं ताकि आप एक साथ सारी चीज़ें मंगवा सकें। हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अलावा हमारे पास ब्रीडिंग मल्टी विटामिन है, जो ब्रीडिंग में बहुत हेल्प आउट करती है, बहुत अच्छी है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर आपके बर्ड्स में जूं हो रही है तो उसके लिए एंटीलाइसिस इसका स्प्रे आता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, परिंदों के ऊपर मारा जाता है, जिससे परिंदों को कुछ भी नहीं होता लेकिन उनकी जूएँ खत्म हो जाती हैं। चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ज़्यादा चिक्स लेने के लिए और हेल्दी चिक्स लेने के लिए प्रोटीन लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। बर्ड्स को महफूज रखना चाहते हैं तो एंटीबायोटिक हार्ड और डॉक्सीसाइक्लिन दोनों आपके पास पहले से होनी चाहिए, क्योंकि जब बर्ड बीमार हो जाएगा तो आधी रात को भाई कहाँ भागते फिरेंगे। तमाम चीज़ें आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका ये, जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखो, सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, लाइक इस वीडियो को, लाइक चैनल को सब्सक्राइब।